नमस्कार, मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं नुक पोस्ट। आज हम आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप खुशी से उछल पड़ेंगे। जी हां, इस वीडियो के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इंसानियत आज भी जिंदा है। जी हां दोस्तों, मैंगलोर एक जगह है जहां पर महज 40 दिन की एक बच्ची का हार्ट ट्रांसप्लांट होना था, लेकिन उनकी बदकिस्मती देखिए, वहाँ पर उनकी व्यवस्था नहीं थी। फिर डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि आपके पास महज 4 घंटे हैं, 4 घंटे के अंदर आपको बेंगलोर जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बेंगलोर, वहाँ से बेंगलोर की दूरी 356 किलोमीटर है। यदि आप औसतन अंदाज़ा लगाएं तो इस दूरी को रोड माध्यम से तय करने में आपको 7 से 8 घंटे लगेंगे। आप एक्सपर्ट ड्राइवर भी हैं, फिर भी आपको 7 से 8 घंटे लगेंगे। लेकिन मोहम्मद हनीफ नाम के एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसको सुनकर आप भी कहेंगे वाह मोहम्मद साहब वाह। जी हाँ, मोहम्मद हनीफ ने महज 4 घंटे में उस दूरी को तय करके उस मासूम सी बच्ची का जान बचा दिया है। तो आपके होठों पर मुस्कुराहट होनी चाहिए कि आज भी हमारे देश में इंसानियत जिंदा है। मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद हनीफ के अलावा अन्य लोगों ने भी उसमें काफ़ी ज़्यादा सहयोग दिया। पुलिस ने ट्रैफिक को जीरो किया, लोगों ने सहयोग किया, लोगों ने अपनी गाड़ियां सड़क के किनारे लगा दी ताकि उस बच्ची का एम्बुलेंस सड़क से गुजर सके, क्योंकि उनके पास महज 4 घंटा था। 4 घंटे में इंसानियत जिंदा हो गई। 4 घंटे में ये साबित हो गया कि आज भी दुनिया में इंसानियत है। दोस्तों, हम आपसे बस यही गुजारिश करेंगे कि ऐसे कामों में आप भी सहयोग करें ताकि आप भी इंसानियत को जिंदा रखने में सहयोग कर सकें, क्योंकि इंसानियत ही धर्म है। तो हम फिर से मोहम्मद हनीफ को सलाम करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये कहानी भारत नहीं बल्कि दुनिया के हर इंसान तक पहुंच सके, ताकि लोग भी उनसे प्रेरणा ले सके। नमस्कार।